चलो आराम से सर, हम लोग का यहाँ का आने का मकसद हम लोग वही है, आपको तो पता ही है। अभी हम लोग आश्रय से पीते हैं, यहाँ आगे बहुत सरप्राइज है। अभी तक कलर पेंटिंग रुका नहीं आ रहा कि यहाँ से करप्शन शुरू हो गया। एंड यू मे से दिस इज रबीश एंड बेसलेस एलिगेशन, बट द थिंग इज दैट दिस हैज बीन डूइंग रूमर्स पहले से चल रहा था। बस हम लोग का हाथ में यार फैक्ट्स बताइए, सबमिट टेक एक्शन, फैक्ट्स आप बताइए मेरे को, क्योंकि आप रूमर बताएंगे तो मेरे लिए कोई काम का नहीं है ना। वो तो रूमर तो मैं भी पढ़ता रहता हूँ मीडिया पर, अगर कोई आपके पास फैक्ट्स है विद एविडेंस तो आप जरूर बताएंगे। सर ऐसे सर आप आराम से एक आराम से देखो टेक सर, डोंट बी इमोशनल। पुलिस को क्या करना है, इट्स नॉट अबाउट बीइंग इमोशनल सर। हमारा यहां में सर जो गांव पे लगा हुआ है, आप फैक्ट्स तो बताओ ना। फैक्ट्स ना सर, ठीक है आई विल टेल यू, फिर बात कर सकते हो। फैक्ट्स बताओ सर। हम लोग ये मैंने देख लिया, मेहनत करके ये मैंने देख लिया, आप सुन तो लीजिए। बताओ अरे रियल कंडीशन है राइट सर, सुनना नहीं तो पिछले हम लोग बुलाते हैं। हम लोग स्टूडेंट लोग इतना मेहनत करके कष्ट करके हम लोग मेरिट में नहीं बना पा रहा है, और यह अचानक से ये बना रहा है विदाउट एक सिंगल सीट भी नहीं, और इसका फुल एविडेंस भी है हमारा हाथ जो इसको खींचा है, प्लस आई विटनेस है जो उसका सेम रूम है, क्लासरूम आई विटनेस। एंड सर इसका ये भी है, ये बड़ा से अगर चौथा तक इसका कोई हाथ नहीं है, बोले ये कर ही नहीं सकता। साइन भी तो है उसको, हाँ इसमें साइन भी हो। और लेट मी मेक आउट द पॉइंट, हम लोग किस लिए आए सर? हम लोग इसलिए नहीं आए कि आपको ये करो ये करो, रिकंडक्ट ये सब तो करना ही है। अभी लेट मी बिफोर कमिंग टू द पॉइंट लेट मी मेक इट सर, परसेंटेज ये है आपको सिलेक्शन लिस्ट आपका 122 है। Out of that, you are suppose following maintaining 1:3 ratio. आपको 366 select करना है, but you have आप लोग ने select किया है, selection किया है, total student आप लोग selection किया है, ये आपका 321 वो इसलिए है क्योंकि scorekeeper में अगर वो test नहीं है, अगर computer ये का stockman और record keeper का अगर उसको एक्सक्लूड करता है तो भी आप क्लियरली मेंशन करता, अगर उसको एक्सक्लूड करता तो टोटल पोस्ट 318 ही होता, नॉट 321 नहीं होता उसको। इसके जान कोई बुला रहा है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, उसे पूछ लेते हैं। इसके जान होने से सर बुला लीजिए ना, उसको बात करना है। और देखिए हम लोग मेनी अटेम्प्ट्स पर्सनली आई एम ऑल्सो सरप्राइज, हम खुद आरटीआई भी फाइल किया जब यूजीसी एग्जाम देने का बाद मार्कशीट को, अभी तक हमको आरटीआई का रिपोर्ट भी आई एम सपोज टू रिसीव माई इंफॉर्मेशन, जो डाटा हमको चाहिए वो भी नहीं मिला। और रही बात इसमें मेनी अटेम्प्ट्स हम लोग भी बोला है मार्क स्टेटमेंट को अगर पास, अगर टेबल का अंदर कुछ नहीं चल रहा है तो सर Why commission is very reluctant to display marks? कतो marks mark दिखाने में क्या जाता है, कितना ना पैसा इसमें जाएगा, कितना जाएगा? Newspaper में जो करते हैं तो सेम ही तो जा रहा है, अगर टेबल का अंदर कुछ घोटाला नहीं हो रहा है तो मार्क्स स्टूडेंट का मार्क निकालने में क्या जाता है। और हाँ आपका नाम तो काफी सुना है एक्चुअली, बहुत रूमर से आपका बहुत मतलब हाई पावर हाई नहीं के होते, सो कई बार कंट्रोवर्सी में आता है लेकिन आपको नहीं पकड़ सका, इतना आई डोंट नो हाउ फार दिस इज एलिगेशन इज ट्रू, लेकिन ऐसे रूमर्स करता है बहुत काफी सुना है। अभी आपका शक्ल देखने में तो इसलिए हम लोग यहाँ कुछ रिक्वेस्ट करने नहीं आए, बहुत सारा पॉइंट्स है आपको सबमिट भी करने नहीं आ रहे, जस्ट ये पूछने आ रहे हैं ऑन मॉरल ग्राउंड आपका भी यहाँ से स्टेप डाउन कर रहे हैं, जस्ट विद इन टू डेज, विद इन टू डेज, टू
आप मोरली खुद करने से मोरल खुद करता है ठीक है डोंट हैव एनी मोरल राइट टू होल्ड इन दिस ऑफिस राइट नाउ डिग्निटी ऑफिस आप डिग्निटी ऑफिस भी नया नया देखो पेंटिंग भी अभी तक सूखा नहीं है करप्शन ये करप्शन छोड़े ये यूडीसी समय से ही ये लागू था बहुत सारा लोग को पता है लेकिन अपना रिश्तेदार है बोल के नहीं बता पा रहा है और ये पहले से रूमर्स फैल रहा था फिर भी हम सोचे रूमर्स होने से भी क्या है हाँ कर लेगा वेकेशन भी नहीं जाके पढ़ रहा है वो कर रहा है इवन दो आई कुडंट मेक एटलीस्ट मेरिट लिस्ट में तो बनेगा लेकिन ऐसे होने से कभी हम नहीं बना पाएगा एंड द सोल पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग एसएसबी वाज आल्सो टू आइडेंटिफाई मेरिट राइट टू गिव मेरिट इट्स ड्यू रिकॉग्नाइजेशन हम लोग उसको नहीं बताएगा बस तू देश अब तू देश में अब खुद रिजाइन दे रहा है ना क्या करेगा उसको बताया देखिए आपने हम लोग को बोला है कि प्रूफ बने ना प्रूफ हम लोग जहाँ बताना है बताएगा आपको हमने प्रूफ बताने नहीं आया है प्रूफ बताने नहीं आया है विद इन टू डेज वी हैव कम टू गिव यू एन अल्टीमेटम टू डेज ओनली यू शुड रिजाइन ऑन टू डेज विद इन दिस टू डेज अदरवाइज हम लोग अपना आपका आप भी शांति से जी नहीं पाएगा सीधा सा बात है हम लोग आपका धरना निकालता रहेगा प्रोटेस्ट करता रहेगा आप भी इतना भेजी दीजिए जीने नहीं सकेगा दूसरा स्टेप में उनसे मॉरल ग्राउंड आगे रिजाइन करना पड़ेगा विद इन एक दो घंटा का हां विद इन हां सही है सही है सही है आप क्यों अभी तक पैर फटाकर बैठे हैं ये भी और इतना ये क्या कर रहा है आपका किस वजह से आप बिहेव कर रहे हैं वी हैव नॉट कम टू No, we have not come to discuss with you, sir. Please. Not an independent body. No, government. We have not come to discuss. हम लोग आपको ultimatum देने आए हैं. नहीं. Either you resign within these 2 days. Answer को पूछो. Including you, आप दोनों ये 2 दिन के अंदर resign कीजिए. हाँ, मेरा सर वो है. और बाकी बात जो हम लोग का जो court में चलना है, already government has already registered एक FIR किया हुआ है, case registered हो गया. Government level में 100 मरता चल रहा है. और हमारा level में हमको जो protest करना है, जो करना है, we will do. और अभी हमें हम लोग को यू डोंट आस्क फॉर प्रूफ हम आपको हम प्रूफ देने के लिए नहीं आया आपको लग रहा होगा हम लोग यहाँ में आया आपसे हम लोग सलाह मशवरा लेने के लिए आया क्या ना आपसे क्या हम लोग अच्छा बात करने के लिए आया क्या नहीं बाबा हम लोग आपको अल्टीमेटम देने आया सीधा सा बात है स्टेप डाउन अगर आप स्टेप डाउन 2 दिन में नहीं करते हैं देखिए आपका घर का बाहर भी हम प्रोटेस्ट होगा आप जहाँ जाएगा आपका आपको हमें अरुणाचल का अनएजुकेटेड क्या बोलते हैं अनएम्प्लॉयड यूथ मिलेगा जो कि आपका ये दलाली से आपका एसएसबी में एक गवर्नमेंट जो इतना अच्छा बनाया था एजेंसी बनाया था जिसका दूर से एक जेन्युइन इंटरव्यू होकर के दुख तकलीफ वाला भी गरीब का बेटा भी नौकरी मिल सके इसको आप लोग यहाँ में बैठ के दलाली कर रहा है आप पूछते हो प्रूफ क्या है यहाँ में सब कुछ डिटेल हमारे पास में उसके बाद भी आप सोशल मीडिया सब कुछ उसका बाद भी आप पूछते हो प्रूफ गलत है बोलने से इसको फोरेंसिक लैब भेजिए दूध का दूध पानी का पानी क्या ऐसा है आप इतना बता दीजिए 2 दिन में क्या कर रहा है आप हमें प्रूफ लेके आओ हमें तो एसएससी का पूरा काम करेंगे 2 दिन का है हमें तो 2 दिन में आप अपना तरफ से अगर कुछ हां कुछ वेरीफाई करके दे दीजिए आप बोल रहे हैं कि गलत नहीं हुआ है तो यू प्रूफ अप विद इन 2 डेज ये 2 दिन के अंदर आप प्रूफ करके दिखा नहीं तो रिजाइन दो हां और यार तो अगर आप सही है ना हम नहीं बोल रहे हैं कि हर कोई गलत क्या पता आप सही भी होता हो आप भी सही होता हो मगर क्योंकि आप बीइंग ऑन द चेयर आप यू आर द हेड यू आर द हेड ऑफ दिस ऑफिस और आपका अंदर में सब कुछ चलता है इसलिए वी आर आस्किंग यू और आपको लगता आप बोलते हो कि अगर आप गलत हैं तो आप ये 2 दिन के अंदर वो कल्प्रिट को जिसने गुनाह किया है जिसने इस सिस्टम को बिगाड़ा है उसको आप निकाल के हमारे पब्लिक के सामने में हमारे स्टूडेंट्स के सामने में हमारे अरुणाचल की जनता के सामने में लेके आइए देन वी विल एक्सेप्ट अदरवाइज यू हैव टू रिजाइन सर नहीं नहीं पहले रिजाइन देना पड़ेगा उसके बाद आप काम करो आप यहाँ में बैठ के पाँव पछाड़ के हाँ यहाँ में काम नहीं करेगा आप पहले नहीं कर सकते हो पहले रिजाइन दो हम लोग के लिए आया हुआ है आपसे एटीट्यूड से आपका एटीट्यूड से हमको दिखाई दे रहा है कि आपका चिंता किस लेवल पर है कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है आराम से शांति में है माने आप अरुणाचल का कुछ चिंता नहीं है जनता को सेवा करने आप अरुणाचल के सोच रहे हैं आप नहीं सोच रहे बस वही हो गया बस चलो चलो हो जाएगा